केमिकल बायो रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो ये टॉपिक होगी अपनी पीपीवाई 609 की। तो बेसिकली जो ये जो कोर्स है इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं अपने बॉडी में उनका एनिमल के प्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में समझना। तो ये बेसिकली तुम्हारा, इसको हम लोग 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ सिलेबस जो है 5 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो ये जरूरी है समझना। अच्छा, दूसरी चीज है ये 3+0 क्रेडिट आवर है। कहने का मतलब है कि 3 थ्योरी लेकिन प्रैक्टिकल कोर्स नहीं। तो इसकी इवेल्यूएशन भी जो होगी, एग्जामिनेशन, उसकी थोड़ी पैटर्न और उसे चेंज होगी, ठीक है। इसमें असाइनमेंट होगा तुम्हारा, क्विज होगा, मिड टर्म होगा, लेकिन एंड टर्म भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा इसमें। यस। तो बेसिकली जैसे है ना, केमिकल बायोरेगुलेशन इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो मतलब फिजियोलॉजी के फंक्शन में, एनिमल के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या क्या केमिकल बायोरेगुलेशन है। तो जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, दैट विल सेक्रेट हार्मोन। यस सर। तो हार्मोन इज आल्सो अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो इसी की कंप्लीट स्टोरी है इस चैप्टर में। तो अब इसको थोड़ा सा अगर डिटेल करें तो जैसे हम लोग यूनिट वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 1 जो है ये बताता है मेथड्स ऑफ स्टडी बायोरेगुलेशन इंक्लूडिंग मेथड्स ऑफ एंडोक्राइन एनालिसिस। मतलब बायोरेगुलेशन का, जो बायोरेगुलेशन कहने का सेंस है वही इन रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन। तो एनिमल प्रोडक्टिविटी जो होगी उसका एंडोक्राइन के साथ, हार्मोन के साथ क्या बेसिक रोल है, क्या इफेक्ट है, ठीक है, वो समझना है। इसके बाद है मैनिपुलेशन एंड डिसरप्शन ऑफ बायोरिदम्स इन होम्योस्टेटिक एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स। कहने का मतलब है कि नॉर्मल एनिमल जो रह रहा है अपने एनवायरमेंटिक एनवायरमेंटल कंडीशन में या सराउंडिंग में जो है, आइदर वो एनवायरमेंटल समझ रहे हो, मतलब गर्मी में है या ठंड में है ना, या बारिश के रीजन में रह रहा है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब इसको डिफाइन करता है। तो एनिमल जिस नेचुरल इकोसिस्टम में रह रहा है तो उसमें इसकी प्रोडक्शन जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है, नॉर्मल। और अगर चेंज होता है तो उसमें क्या डिफरेंस होगी, या फिर अगर कोई डिफरेंस है तो उसको हम कैसे टेक ओवर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैनिपुलेशन एंड डिसरप्शन। तो ये चीजें होंगी यूनिट 1 में। यूनिट 2 में है हार्मोनल रिलेशनशिप इन एनिमल प्रोडक्शन, मतलब एनिमल के प्रोडक्शन में हार्मोन का क्या रिलेशन, हार्मोन का क्या रोल है, ठीक है। इसमें बेसिकली तुम्हारा T3 T4 है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स जो है, थायराइड हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो स्ट्रेस के से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। इसके बाद तुम्हारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहने का मतलब कहाँ से ये सीक्रेट होता है? यस सर, नीरोहाइपोफाइसिस और एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, तो यहाँ से है। तो इसके बारे में समझनी होगी, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट्स इन हार्मोन, हार्मोन का पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे वो फंक्शन करता है, हाँ, क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है, जैसे प्रोटीन और स्टेरॉइड के रूप में किया गया है, वो समझना होगा। और मेथड्स ऑफ स्टडी, कैसे उसको स्टडी करना है, उसका क्या मेथड है, ठीक, मतलब हार्मोन की स्टडी को कैसे कैसे करते हैं, वो समझना है। इसके बाद आगे तुम्हारी हार्मोनल ऐसे आ गई, डिफरेंट जो हार्मोनल ऐसे है, मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो तरीका है वो, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन कैसे सिंथेसाइज करती है, कैसे रिलीज होता है और कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल्स में, ठीक है। यस सर। फिर है मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शन, टारगेट सेल इंटरेक्शन, मतलब हार्मोन जो है कैसे मैकेनिज्म उसकी, हाउ इट विल कम इन एक्शन। पहले तो है कैसे सिंथेसिस होगी, फिर रिलीज होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, फिर वो कैसे एक्ट करेगा और एक्ट किसके साथ करेगा, टारगेट सेल पे।
हार्मोन रिलीज कहीं और होता है और एक्ट कहीं दूसरे जगह करता है, मतलब अपने टारगेट सेल पे करता है, टारगेट ऑर्गन पे करता है। तो उसकी इंटरेक्शन कैसे होती है वो देखनी पड़ेगी। तो ये भी डिपेंड करता है हार्मोन के क्लासिफिकेशन पे कि आइदर द हार्मोन इज इन प्रोटीन और इट इज स्टेरॉइड इन नेचर, ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से उसकी इंटरेक्शन होती है स्पेसिफिक सेल के साथ। यूनिट थ्री जो है तुम्हारी वो दैट इज जीनेटिक एंड जीनोमिक अप्रोचेज इन एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, हार्मोन्स की जो हम बात कर रहे हैं तो ये इसमें जीनेटिक और जीनोमिक अप्रोच क्या है, जीनेटिक जीनोमिक समझ रहे हो? यस सर, ये ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज जीन एंड हैप्लोइड सेट ऑफ या कंप्लीट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, ये ना सर? ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी बिकॉज इट इज इन रेस्पेक्ट टू एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, तो मतलब कोई जीन जो है वो कैसे इफेक्ट करता है एंडोक्राइनोलॉजी को, ये स्पेसिफिक हार्मोन को कैसे या ग्लैंड्स को कैसे अफेक्ट करता है वो देखना है। प्लस अगर मल्टीपल जीन अगर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई एक जीन ऐसा होगा जो उसकी रोल ज्यादा होगी, तो उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो उससे प्रोडक्टिविटी हम ज्यादा ले सकते हैं। तो ये चीजें इसमें आएगी। दूसरी है एनिमल मॉडल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल मॉडल्स होती है, लैब एनिमल हो गई, फार्म एनिमल हो गई, तो ये एनिमल मॉडल्स है, अल्टरनेट यूजेस ऑफ एनिमल मॉडल, मतलब उस टाइप के मॉडल को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर कैसे रिसर्च या कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन स्टेज जो है वो बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा उससे हम कुछ ले सके, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल थायराइड एंड एड्रेनल हार्मोन्स, क्योंकि बेसिकली जो तुम्हारा केमिकल बायो रेगुलेशन है इसमें यही सारे हार्मोन या मतलब और ये आएंगे, सिस्टम आएंगे, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोफाइसिस और थायराइड के साथ एड्रेनल, ये चारों चीज आएंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं इनको समझना होगा कि कैसे रिलीज करते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे एक्शन में आता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और अपने अपने टारगेट सेल्स पे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट फोर जो है तुम्हारा डेट इज गोनेडल एंड प्लासेंटल हार्मोन्स, मतलब दोज हार्मोन्स विच इज रिलेटेड विद द गोनाड्स एंड द प्लासेंटा, मतलब कंप्लीट हो गई रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ठीक है। तो इनका रेगुलेशन कैसे होता है एंड हाउ दे एक्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द एक्शन, इसको समझनी होगी। फिर है प्रिंसिपल हार्मोन्स ऑफ पिनियल ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड का जो प्रिंसिपल है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज जो है जिसके कारण पिनियल ग्लैंड की एक सिग्निफिकेंस है, फेट है, उसे समझनी होगी और उसका प्रोडक्शन में क्या रोल है, ठीक है। जैसे पिनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है, यस सर, थर्ड आई भी कहते हैं। कहने का सेंस है ये जो है पिनियल ग्लैंड जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट, या फिर सो कह सकते हैं कि मतलब एक क्लॉक एवरिवेशन कर सकते हो, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक सर डिफाइन करता है, बिल्कुल बायोलॉजिकल पिनियल ग्लैंड, तो क्लॉक को डिटरमाइन करता है कि कब दिन है कब रात है, एनिमल को कब रेस्ट करना है, कब कौन से हार्मोन को एक्टिव होना है, कब किसको डोरमेंट में जाना है, उससे क्या प्रोडक्शन में इफेक्ट है, क्या रिप्रोडक्शन में इफेक्ट है ना, ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। यस सर। और जो पिनियल ग्लैंड से सर, पिनियल ग्लैंड से एक्चुअली सर, पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सर सेक्रेट होता है ना सर? हाँ, मेलाटोनिन है जो कि यही बायोलॉजिकल रिदम में ही इसका बेसिक रोल है, बायोलॉजिकल क्लॉक में। यस सर। यस सर। इसके अलावा तुम्हारा मेलानोसाइट्स भी देता है, ठीक है, पिगमेंटेशन जो होता है स्किन का, इसी के कारण पिगमेंटेशन के लिए दोनों रोल है इसका। इसके बाद यूनिट फाइव जो तुम्हारा लास्ट यूनिट है दैट इज रिलेटेड विद द एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम होमियोस्टेसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम का एक नॉर्मल एनिमल के एंडोक्राइन सिस्टम में क्या इसका इफेक्ट है, रोल है, क्या रोल है वो। यस सर। फिर हार्मोन्स एंड अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी हार्मोन जो है
वो कैसे एक्ट करता है किसी एक स्पेसिफिक एनिमल के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने का. जैसे अभी यहाँ है, ठंड में है, अचानक से मौसम गर्म होता है, तो बहुत सारे हार्मोन है दैट इज रिलेटेड विद द, चेंज कर जाता है, यू कैन से दैट इज डायरेक्ट रिफ्लेक्ट टू द अडॉप्टेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक एनिमल इन अ सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, वो क्या है उसको समझनी होगी. फिर हार्मोन की रेगुलेशन रिगार्डिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी, मतलब तुम्हारी मेटाबॉलिज्म जो होती है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं उनको समझना होगा. फिर एक प्रोस्टाग्लैंडिन है और हार्मोन्स इन फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो फर्टिलिटी को मतलब मेंटेन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. तो उन वैसे वैसे जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में समझनी होगी. और जो लास्ट है दैट इज द एवियन एंडोक्रेनोलॉजी, ये अपने आप में एक यूनिट है. एवियन एंडोक्रेनोलॉजी मतलब टोटल जो पोल्ट्री या बर्ड्स कह लो उसके कंप्लीट हार्मोन सिस्टम को समझना होगा, उनके सारे ग्लैंड्स को समझना होगा. ठीक, तो इसमें जो है ये कंप्लीट एस्पेक्ट है. और जो सजेस्टेड रीडिंग है, जो बुक्स इसमें सजेस्ट किया गया है, दैट इज मैकडोनल्ड्स की है, वेटनरी एंडोक्राइनोलॉजी, ये बुक है. ठीक है, इसको जरूर से निकाल लेना, ये बुक काफी काम देगी एंडोक्राइनोलॉजी. फिर जनरल एंडोक्राइनोलॉजी है, ये भी मिल जाएगी, और एक टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है. तो ऑलमोस्ट ठीक है, तीनों बुक अच्छी है. ठीक है, ये वेटनरी एंडोक्राइनोलॉजी ये थोड़ी सी मतलब एडवांस हो गई है. ठीक है, तो ऐसे कोई भी तीनों में से कोई भी बुक मिल जाती है जो अवेलेबल होगी उसको जरूर ले लेना, ये काफी काम है. यस सर. और कुछ मेरे पास होगी सॉफ्ट कॉपीज, ठीक है, बुक्स की, वो हम दे देंगे. तो ये बेसिकली है तुम्हारी कंप्लीट कह सकते हो सिलेबस. ठीक है, सिलेबस है केमिकल बायोरेगुलेशन में फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो ठीक है, चूंकि